ये वाला रास्ता है कैलाश गुफा जाने के लिए, और इधर हाथी क्षेत्र है तो इधर सावधान रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल है। नगर पंचायत बगीचा आपका स्वागत करता है। ये है यहाँ का मेन मार्केट। चलिए आपको बगीचा का बस स्टैंड दिखाता हूँ। यहाँ छोटा सा हाथी बना हुआ है, दो ठो सलामी दे रहे हैं सोड उठा करके। और ये मंदिर है, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं बगीचा सिटी दिखाने वाला हूँ। इंट्रो मैं पहले नहीं बनाया था तो अभी बना लेता हूँ, और बगीचा सिटी पहुँच चुका हूँ। तो चलिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, जो बगीचा सिटी का व्यू है। तो चलिए राइड का मज़ा लीजिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बूढ़ाम घूम चुके हैं। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं बगीचा सिटी, और रजपुरी चलेंगे, उसके बाद उरू झरना है शायद पहाड़ में है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे खुड़िया रानी। तो निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो ब्रो, चलो। और चार लोग हैं अभी, शायद 10:30 बज रहा है ना, 10:22 अभी बहुत टाइम है, सुबह ही 9 बजे ही निकल गए थे। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ से हम लोग बगीचा के लिए निकल गए हैं। लगभग मेरे को लगता है यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर होना चाहिए। ओ हो, मेरे को लगता है पेट्रोल ज़्यादा भरा दिया हूँ ना, जिसके चलते एयर पास नहीं हो रहा है। देखिए टंकी फुल है, थोड़ा सा भी अभी कम नहीं हुआ है गाइस, ऊपर तक निकल रहा है पेट्रोल, इसके चलते एयर पास होने में दिक्कत हो रहा है। क्योंकि घूमना बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए मैं सोचा टंकी ही फुल करा लेते हैं। पेट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया भाई। हाँ सही बात है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला दिया बाइक को, बुलेट को, जिसके चलते वो भी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। और चलते हैं, आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। बतौली से होके जाना पड़ेगा वहाँ से हम लोग को, और घाट देखिए काफ़ी खूबसूरत। और भाई लोग ऐसे दौड़ा दिए बाइक की क्या बताएं, हम लोग का नज़ारा ही नहीं दिखाई दे रहा है। और गाइस थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो गाइस फाइनली अभी बतौली सिटी पहुंच चुके हैं, और पानी भी गिर रहा है, ये देख सकते हैं। अभी आपको दिखाने वाला हूं बगीचा जाने वाला रास्ता, और यहां से हम लोग को लेना है लेफ्ट, और राइट लेते हैं तो सेदम वाटरफॉल की ओर चल जाएंगे। लेफ्ट लेते हैं और लेफ्ट लेके अब राइट लेते हैं। ये देख सकते हैं ये वाला रास्ता है बगीचा जाने का। तो चलते हैं बगीचा सिटी, और बगीचा का खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा। और गाइस देख सकते हैं रास्ता, यहाँ से लगभग हम लोग को 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और इधर हरा भरा, उधर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं दूर में है। चलेंगे उधर हो सकता है तो शायद, और इधर भी पहाड़ दिखाई दे रहा है, और वो रास्ता तो देखिए काफ़ी अच्छा, जितना भी अभी हम लोग राइड किए हैं उसमें सबसे अच्छा रास्ता यही है। फाइनली अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बगीचा, और यहाँ एक बड़ा सा लगा है बोट, कैलाश गुफा 18 किलोमीटर, बगीचा 17 किलोमीटर, रजपुरी जलप्रपात 21 किलोमीटर, जसपुर 116 किलोमीटर, सन्नापाट 47 किलोमीटर, रांची 248 किलोमीटर। और जसपुर ज़िला में एंटर कर चुके हैं गाइस, यहाँ से जसपुर चालू हो जाता है। और तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जो कैलाश गुफा वाला रास्ता कटता है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये वाला रास्ता है कैलाश गुफा जाने के लिए, और इधर हाथी क्षेत्र है तो इधर सावधान रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग सीधा चलेंगे बगीचा की ओर, कैलाश गुफा बाद में चलेंगे। और मौसम भी ख़राब हो रहा है गाइस, तुरंत तुरंत बदल जा रहा है मौसम। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग नगर पंचायत बगीचा पहुँच चुके हैं, और इधर जाएँगे तो आप पत्थर गाँव पहुँच जाएँगे, और सीधा चलते हैं बगीचा। नगर पंचायत बगीचा आपका स्वागत करता है। ये देखिए यहाँ से चालू हो गया बगीचा, और गाइस यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है। और ये देखिए गाइस एंटर कर चुके हैं बगीचा सिटी, और यहाँ से मार्केट चालू हो जाता है दुकान। ये देखिए यहाँ का शॉप है, और इधर है बजाज शोरूम यहाँ, और यहाँ ट्रैक्टर की टीवीएस सभी चीज़ के शोरूम यहीं है लगता है, 2-3 ठो शोरूम तो दिखा
देखने को मिला और पानी भी आने का संभावना लग रहा है, बूंदाबांदी तो हो रहा है। और मेरा GoPro भी वाटरप्रूफ नहीं है जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। और जैसे मैं ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता हूँ पानी आ जाता है, और ड्रोन तो वाटरप्रूफ है नहीं कि पानी में भी उड़ा दूँ। वाटरप्रूफ रहता तो पानी में भी उड़ा देता। और ये रहा गाइस मेन मार्केट, मतलब पूरा मार्केट यहीं से चालू हो जाता है। देख सकते हैं काम चालू है, दुकान खुल चुके हैं सारे, और अभी 12 बज रहा है दोपहर का, ये देखिए। और वाटर क्रॉसिंग पार कर रहे हैं यहाँ, जैसे एंटर करते हैं प्रतापपुर के, जैसे ही है सेम टू सेम प्रतापपुर एंटर करते समय भी वाटर क्रॉसिंग पड़ता है। और ये है यहाँ का मेन मार्केट, और थोड़ा भीड़ भाड़ दिखाई दे रहा है, हलचल है थोड़ा सा। ये पूरा सिटी है बगीचा का, ये देखिए सिटी। पहले तो मैं आया था, और इधर है पार्किंग स्थल, और इधर बस स्टैंड मिलेगा। चलिए आपको बगीचा का बस स्टैंड दिखाता हूँ। और गाइस देखिए बगीचा की ये बस स्टैंड है, और पूरा लगा हुआ है इधर, देख सकते हैं बस लगा हुआ है, और बस लगा हुआ है और ऑटो भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये है बस स्टैंड पूरा, होटल के भी, और यहाँ फल फूल की दुकानें और होटल भी है। काफ़ी अच्छा लगा देख करके, व्यू देख करके, और घुमा देता हूँ एक राउंड, और निकल गए मेन मार्केट की ओर फिर से हम लोग। और ये वही बस स्टैंड का नज़ारा है, और अर्पिता कृषि सेवा केंद्र, और जय बालाजी लाइफ स्टाइल। वाह कपड़े की दुकान है क्या? हाँ कपड़ा का ही दुकान है। और इधर होंडा का शोरूम, और राम प्रसाद ज्वेलरी, और कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। देखिए सिटी घुमा रहा हूँ आपको पूरा। यहाँ छोटा सा हाथी बना हुआ है, दो ठो सलामी दे रहे हैं सोड उठा करके। और पुलिस थाना बगीचा यहाँ है। और कुछ ऐसा था बगीचा मार्केट, मेन मार्केट, और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा का ये है, और ये मंदिर है, मंदिर है शायद बंद है, पंडाल टाइप से तो है, पंडाल टाइप से है क्या पता, पंडाल टाइप से दिख रहा है। और ये भी है कार्यालय जनपद पंचायत बगीचा, काफ़ी बड़ा है भाई बगीचा, नाम ही इतना खूबसूरत, हरा भरा बगीचा, मंदिर ही मंदिर है यहाँ। और ये देखिए मंदिर, कौन सा मंदिर है? मस्जिद होगा? नहीं नहीं मस्जिद नहीं है भाई, और तो गाइस यहाँ से चलते हैं अब रिटर्न। तो गाइस कैसा लगा वीडियो बताइए, सिटी का बगीचा सिटी काफ़ी प्यारा सा सिटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।